हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो V30e 5G फ़ोन है, तो वीवो V30e 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप कैसे नोटिफिकेशंस को हाइड कैसे कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस वगैरह को कैसे आप छिपा सकते हैं अपने वीवो V30e 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि नोटिफिकेशंस को कैसे हाइड कर सकते हैं और कैसे आप छिपा पाएंगे वीवो V30e 5G फ़ोन में। तो बताने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे हैं जिसमें स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिस पर जाकर आप अपने फ़ोन में नेट नहीं चलने की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और अपने फ़ोन में नोटिफिकेशंस को हाइड कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको सेटिंग्स पर जाना होगा। क्लिक करते ही फ़ोन की जो भी सेटिंग्स है आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी। इस पर जाकर नोटिफिकेशंस वगैरह को आप हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं अपने फ़ोन में। सिंपली देख सकते हैं, नोटिफिकेशन सेटिंग्स पे जाना होगा। क्लिक करते ही नोटिफिकेशन सेटिंग्स हैं ओपन हो जाएगी, जिस पे जाकर नोटिफिकेशंस को आप हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं अपने फ़ोन में। सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस ऑप्शन से आ रहा है, इस पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशंस को हाइड एंड साइलेंट भी कर सकते हैं। इस पे क्लिक कर देंगे तो जो भी नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन में आता है तो आप उसको हाइड एंड साइलेंट कर पाएंगे अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस को हाइड एंड साइलेंट भी कर सकते हैं। इस तरह से नोटिफिकेशन आप छुपा सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो